हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ, बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज मैं आप सभी के लिए क्या लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि DU के अंडर वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन कैंपस के अंडर में जॉब करना, तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो, क्योंकि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म कब तक अप्लाई होगा, आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कंप्लीट डिटेल में हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि DU के अंडर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको जो ओवरऑल कंबाइन करके पोस्ट देखेंगे ना, तो 77 है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट वाली वैकेंसीज है, जनरली जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा नहीं लगने वाले या फिर क्वालिफिकेशन ज्यादा डिमांड नहीं किया गया, वो इन चार पोस्ट के लिए है। सीनियर असिस्टेंट के लिए 8 पोस्ट और आपको स्टेनोग्राफर के लिए 3 सीट्स रखा गया है, असिस्टेंट के लिए 14, जूनियर असिस्टेंट के लिए 37। तो सबसे ज्यादा सीट निकल के आई है जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ था 11 अक्टूबर से और लास्ट डेट है 4 नवंबर 2023। तो समय आपके पास ज्यादा नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दो। रही बात कि कैटेगरी वाइज फॉर्म की फी क्या रहने वाली है, तो जनरल से लिया जाएगा 1000 रुपीज, ओबीसी EWS एंड फीमेल कैंडिडेट से 800 रुपीज, SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप पर्सन से 600 रुपीज लिया जाएगा। रही बात कि आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, तो 12th पास हो, सिंपली आपने इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से 12th पास कर रखा है, कोई भी परसेंटेज है, बस पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग। और आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन जो है मेजर 3 स्टेजेस पे आपका डिपेंडेबल रहने वाला है। फर्स्ट होगा पेपर 1, ऑनलाइन पेपर होता है, फिर पेपर 2 आपका होगा, ये आपका मान लो प्री एग्जाम होगा, ये मेंस होगा, फिर उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगी। मतलब कि आपका जो और भी पोस्ट है ना, उस सब के लिए लगभग सिलेक्शन प्रोसेस हर कुछ सेम होने वाला है। तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि पेपर 1 में जो है एग्जाम होगा, तो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। 200 क्वेश्चंस के पेपर होंगे 200 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4 का। तो चलिए अब बता देती हूँ किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, एंड लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से कोई एक चूज करोगे, उसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 50 मार्क्स के लिए। तो इसमें जब आप क्वालिफाई करते हो तो पेपर 2 देना होता है। पेपर 2 में होता है आपका एसे, कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग, मतलब मेंस के पेपर में इंग्लिश का आपका एग्जाम होगा, जिसमें एसे राइटिंग वगैरह का रहेगा। मार्क्स रहेगा 100 और समय आपका रहेगा 1 आवर में आपको ये कंप्लीट करना होगा। साथ ही साथ आपको हाफ एन आवर की ना उसी टाइम ऑन स्पॉट टाइपिंग हो जाएगी, जो स्किल टेस्ट होगा सेम डे हो जाएगा। ऑन स्पॉट टाइपिंग में हिंदी का स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश का स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि सिलेक्शन की प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका जो आप सोच रहे होंगे कहाँ पे आपका सर्विस होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सर्व करने का मौका मिल सकता है। इंडिया का टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे वहाँ जाते हैं, तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा रिस्पेक्टेड पोस्ट आपको मिलेगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है फ्रेंड्स, आपको 35,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। बाद में आपको इसमें पर्स अलाउेंसेस भी मिलते हैं, अच्छे खासे इंक्रीमेंट होते रहती है। सो आई होप कि आपको ये पोस्ट के बारे में जो कुछ भी जानकारी मैंने बताई है आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि आप फॉर्म कहाँ से अप्लाई करोगे, तो मैं हूं ना इस फॉर्म का जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन करने के लिए आप वेबसाइट आपको चाहिए सारा कुछ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करके अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। सबका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहां पे फॉलो करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।